पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई छीन नहीं सकता। शिवराज ने कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा, कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा, भाजपा ने जनता और शिवराज दोनों के साथ ही छल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधनी के शाहगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। शिवराज ने कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा, कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। उनकी बातें सुनकर लाडली बहनों ने गले लगाकर रोने लगी। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कोई सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी। सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है लेकिन। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि ऐसी बहुत पीड़ा है। बीजेपी के नेताओं में कैलाश जी के बयान भी हैं, प्रहलाद जी के बयान भी हैं, राकेश सिंह के बयान भी हैं। चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाकर उन्हें बाहर कर देना यह दुखद है। जनता के और शिवराज के साथ छल किया है बीजेपी ने। हमें उम्मीद है कि कोई तो भाजपा के खिलाफ बोलेगा। बहुत पीड़ा है बीजेपी के कई नेताओं में। कैलाश जी के बयान भी हैं, प्रहलाद जी के बयान भी हैं, राकेश सिंह जी के बयान भी हैं और तथाकथित दिग्गज नेता जो कहलाते हैं उन सबके बयान ऐसे हैं। शिवराज जी का चेहरा दिखा के और शिवराज जी को बाहर कर देना ये दुखद है। जनता के साथ भी छल है और शिवराज जी के साथ भी छल है। ये तो बयान अभी और आएंगे और हमें उम्मीद है कि कोई तो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ भाजपा से भी बोलेगा। पर यह धोखा सिर्फ शिवराज जी के साथ नहीं है, पूरे प्रदेश के साथ है। आने वाला समय बीजेपी के लिए संघर्ष से भरा है। जो गुटों के अंदर बट रही है बीजेपी, वो जनता भी देख रही है और उसका नुकसान जनता भी उठा रही है। तो उम्मीद करते हैं भाजपा अपना घर संभालेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।